फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्नल पे चलते हैं, लाइट्स पे गए एंड स्काई डोम। ठीक है, स्काई डोम करते हैं आपके पास यहाँ पे रेंडर आउटपुट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो रेंडर करना है, ठीक है, ऑर्नल पे रेंडर करना है, क्लिक करना आप यहाँ पे, ये आपके पास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्नल में सर्च किया एंड रेंडर, ये देखो बेसिक हमारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा भाई, हमने यहाँ पे काम किया और लुक एंड फील आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अभी मटेरियल देने का एक बार देख लेते हैं मटेरियल कैसा है। लाइक असाइन किया मैंने, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, यहाँ ऑर्नल पे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एआई स्टैंडर्ड सरफेस। एआई स्टैंडर्ड सरफेस में क्या है, अलग अलग आपके पास चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज़ कॉपर का बनाना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया कॉपर एंड रिप्लेस। अभी रेंडर करके चेक करो, ठीक है, जैसा आप कलर देना चाहो दे सकते हो। लाइक आपको सपोज यहाँ पे कुछ और देना है, प्लास्टिक देना है, आपने प्लास्टिक पे किया, ऐसे करके भी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन व्हाट यू वांट, क्या बनाना चाहते हो, कैसे क्या करना चाहते हो, ये डिपेंड करेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, कलर पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक कुछ ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे। अभी ऊपर वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, लाइक असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड ए आई सरफेस स्टैंडर्ड। अभी मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे मेटल बनाना है, क्रोम है, कॉपर है, ठीक है, आप यहाँ पे देखो कारपेंट भी है, आप ऐसे भी रिप्लेस करके देखो यहाँ पे, तो लुक एंड फील आपको दिखेगा कि किसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या चीज़ एड ऑन कर सकते हैं, किसमें देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, कारपेंट यूज करना चाहो वो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गोल्ड है, गोल्ड में रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे चीज़ों को लाइक मैनेज करना चाहो, लाइक व्हाट वी वांट, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक असाइन लास्ट वन, ठीक है, ये आपका गोल्ड में आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरे कुछ फेसेस हैं उन फेसेस को मैं अलग अलग तरीके से मैनेज करूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड ग्रो। यहाँ पे मैं कुछ और मटेरियल देना चाहता हूँ, लाइक फर्स्ट वन, फिर यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो मैंने फेसेस को कैसे दिया, फेसेस सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, असाइन किया मैंने यहाँ पे, देन दिस वन। आप लोग इसका नाम सपोज डाल सकते हो, मटेरियल पे गए हम लोग, लाइक वोट का देते हैं, वोट दे रहे हैं यहाँ पे, वोट दिया, स्टार्कलर का वेट थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पे, साइनिंग थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, रफनेस और कदर मैनेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं फ्रंट पे गया और मैंने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, वोट के लिए चेंज कर देता हमें। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ये चीज समझना है कि भाई हम लोग कितने पार्ट को वोट बनाने वाले हैं, कितने पार्ट को लाइक मेटल बनाने वाले हैं, हम लोग इस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो जैसे ये मेरे पूरा पार्ट है, अभी मुझे इतने पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक सेलेक्ट किया, शिफ्ट डबल क्लिक, ठीक है, फोकस शिफ्ट एंड ग्रो, ग्रो किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मेरे से ये पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे इतने पार्ट को, एंड देन इतने पार्ट को सेलेक्ट किया। अभी आई वॉन्ट लाइक गोल्ड, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं गोल्ड। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीज को लाइक दे सकते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एंड ग्रो, राइट क्लिक असाइन गोल्ड। ठीक है, यहाँ इतना सेट किया, यहाँ इतना सेट किया हमने। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक अलग अलग पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, रोप है, असाइन करते हैं न्यू मटेरियल, जस्ट जनरल सा लुक एंड फील देना है यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी कलर आप यहाँ से भी दे सकते हो, कुछ आपको लगता है यहाँ पे कि भाई आपको रबर दिख रहा है, प्लास्टिक दिख रहा है, ठीक है, कोई आपसे रिलेटेड है यहाँ पे तो आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कैसा कुछ है देना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक
रोप के लिए, रोप में होता क्या है साइनिंग नहीं होती, क्या हमें रबर रिप्लेस कर देना है, रबर का हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ओके। बेस कलर है, बेस कलर वाले आपको चाहिए कुछ इस टाइप का कलर है तो अपने डार्क ब्राउन कर रखा है, ठीक है ये कुछ काइंड ऑफ लाइट में, ठीक है यहाँ सेट किया, ये सब ऐसा कुछ बटन टाइप से हैं, ठीक है मैं इनको लाइक थोड़ा सा अलग से आयरन कर देता हूँ, ठीक है मैंने इसे असाइन किया जस्ट काइंड ऑफ आर्नर पे गए, ठीक है मुझे थोड़ा सा शाइनिंग से चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया लाइक कार मटेरियल है मेरे पास यहाँ पे कार पेंट, मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ये पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे क्या किया राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, यहाँ पे क्या होता है AI स्टैंडर्ड है, AI स्टैंडर्ड सरफेस इसे हम लोग कर देते हैं क्रोम पे, लोहे के हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया ऐसे करके हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे लाइक मेटलिक यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ये पार्ट हम लोग यहाँ पे देंगे या क्रोम में कर लो या सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे चाहो तो गोल्ड में कर दो, ठीक है अब ये चीज़ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा लाइक कौन सा लुक एंड फील कैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये लीफ है यहाँ पे इतना सेट किया, अरे हम लोग यहाँ पे साइन कर दिया लाइक बहुत सिंपल सा बंडल, हमें यूज यही करना है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है इनमें से आप क्या कर सकते हो जो भी लाइक आपको लगता है कि आपको कुछ अभी हमें दिख जाए लाइक कुछ अच्छा सा दिखे तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है प्लास्टिक रबर लाइक स्क्रीन थिन प्लास्टिक वैक्स, ठीक है ट्राई कर लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं वैक्स, ठीक है अभी हमने यहाँ पे क्या किया सबको एक बेसिक बेसिक कलर दे दिया। अभी मैं यहाँ पे सर रेंडर करने जाता हूँ तो रेंडर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है रेजोल्यूशन गेट, ठीक है अभी सर क्रॉस चेक करके देखें रेंडर में सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहला काम जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो इससे हमने मैच किया इसमें यहाँ पे किया, ठीक है चीज़ों को हमने दिखा तो मेरे पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड है ना ये बहुत ज़्यादा साइन कर रहा है वो चीज़ें उतना बेटर नहीं दिखता, ठीक है तो ठीक है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कलर के पास जाके क्लिक किया मैंने यहाँ पे फाइल पे गए और एक HDMI कॉल करते हैं यहाँ पे HDMI में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सिंपल सा पार्ट बस अलग अलग टाइप के HDR हैं, मुझे जो HDR यूज़ करना थोड़ा सा ब्लर यूज़ करना है जिसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर ना हो लाइक ऐसा कुछ तो मैंने क्लिक किया देन अब मैं रेंडर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी डेप्थ आएगा यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइक ब्राइटनेस कम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ बाहर निकले, यहाँ पे इंटेंसिटी है इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे क्या किया टू कर दिया यहाँ पे टू करने के बाद एक बार क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे सेव करो देन रेंडर ये देखो अब इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा लाइक आई वॉन्ट लाइक थ्री चेंज करते हैं यहाँ पे देन रेंडर किया मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं देखो यहाँ पे जो लुक एंड फील आ रहा है वो वाइट बैकग्राउंड से बेटर इसमें आ रहा है, ठीक है तो हम लोग बेसिक चीज़ों को ऐसे करके दे सकते हैं कि भाई मेरे पास बेसिक जो मॉडल है मैं उसको ऐसे कुछ रेंडर कर सकता हूँ। देखो ऊपर स्पेस कम है नीचे ज़्यादा है स्पेसिंग का ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इसके लिए वहाँ से यहाँ फिल चार्ट होता है फिल चार्ट लो यहाँ पे देखो ऊपर एक ग्रिड छूट रहा है नीचे भी ग्रिड छूट रहा है यहाँ पे, ठीक है सेंटर वाइज हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे और आप ऐसे करके रेंडर निकाल कर आप फोटोशॉप में कंपोजिट करके भेज सकते हो, ठीक है कोई भी आपको काम भेजना तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है कैसे हमने ऐसे प्रेजेंटेशन करके यहाँ पे रेंडर किया कुछ नॉइज आ रहा है, ये सेटिंग में जाना है यहाँ पे सेटिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना अर्नल पे जाओ यहाँ पे जो कैमरा है ना इसको आपको 4-5-6 ठीक है डिफ्यूज ठीक है इसको लाइक हम लोग यहाँ तक करेंगे, इसमें क्या थोड़ा सा रेंडर में टाइम लगेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी आएगी, ठीक है ये हमारा अपना रेंडर निकल जाएगा अपना काम हो जाएगा।